सवाई जनन का राम राम पहुंच जाए। कैसे हो आप सब जने? हम आशा करे थे कि आप ठीक हुआ और हम भी ठीक हैं। हमारी बुंदेली झलक चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज हम अपने बुंदेली झलक चैनल के माध्यम से एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आए हैं आपके लाने। तो दो तीन दिन बाद है गणेश, यानी कि गणेश चतुर्दशी। सो जी कहलाउत हैं सबसे बड़े गणेश साल भर में। वैसे तो 12 बार गणेश आउत हैं, हर महीने में गणेश आउत हैं, लेकिन जी होते हैं बड़े गणेश। और बड़े गणेश में हमारे बुंदेलखंड में स्पेशल का बना थे वो हम आप बता भी जा रहे हैं। तो उनके बताए के लाने आज हम पूरी वीडियो आप दे हैं। जितनी भी हमारे व्यंजन बुंदेली व्यंजन बनत है गणेश चतुर्दशी स्पेशल, तो आ जाओ आप हम आप दिखा रहे हैं। देखो आप, सबसे पहले हमने जो सकला उबेल लाए, देखो आप जो चुड़ गए, देखो आप इके लाने जो चार सकला है थी, और हमने इमें एक गिलास पानी डालो तो, और हमने ये 20 मिनट चुरे लाओ चूल्हे पे। सुजे चुर गए, हमने पहले आप हाँ बता नहीं पाए थे, हमने पहले चढ़ा देते हमने कि बाद में बताते हैं। तो एक चीज हमारी गणेश नन की बन के तैयार है। अब हम दूसरी चीज बनाने तो इके लाने हम धरे हैं जकरैया। और करैया में डाल है थोड़ी सी तिली, और ये भूंज ले हैं। देखो तिली हमारी भूंज गई, और जब देखो तिली हमने बहुत अच्छे से भूंज ली, और ई में इतनी तिली में हम डाल हैं थोड़ी सो गुड़। देखो जब एक कटोरी के लगभग तिली है, और इतना जो 100 ग्राम के लगभग गुड़ है, आप कम या ज्यादा भी डाल सकते। इन्हें दोनों हम मिला के हम कुंडी डंडा में कूटे ले रहे। तो देखो आप, हमने तिली और गुड़ दो ही मिला के कूट लाए, से जो कूचो बन गयो हमने ये कुंडी डंडा में कूटो है। और एक हम आओ पहले से एक वीडियो डलो भाव है यूट्यूब पे, जो हमने कूचो आपा कूट के भी दिखाओ मैं, लेकिन ये हमने आपा कूट के नहीं दिखाओ। सो देखो जो कूचो भी बन के तैयार है। अब हम बना ले हैं लड्डू। सो लड्डू के लाने जो हमने कढ़ाइया रख दई, और अब ई में डाल हैं हम तिली, थोड़ी सी तिली है एक कटोरी के लगभग, और ये हम थोड़ी थोड़ी करके ये भी भून ले हैं। क्या दिखा रहा है? देखो तिली भून गई, और यही में हम जितनी तिली है उतना ही गुड़ डाल दे हैं। फिर ये अच्छे से मिक्स कर ले हैं। क्या दिखा रहे हैं? तो ये देखिए, जो देखो आप गुड़ और तिली मिक्स हो गई। अब ये हम उतारे ले रहे हैं, और थोड़ी सी कोन कोनो 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 जी लड्डू हम बांधे ले रहे हैं। फिर दिखा रहे हैं आप, हाँ पहले भी हमारी गुड़ के लड्डू, गुड़ और तिली के लड्डू की वीडियो डली है, आप भाभी देख सकते हो। बस ये हल्को हल्को कोन कोनो 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 थोड़ी सी पानी ले है हाथ में, और उनकी सहायता से भाई बांध के दिखा रहे हैं आप। देखो आप जो कोन कोनो से हो गो है, ज्यादा गर्म नहीं है तो गर्म में हाथ जल जाए, और ठंडा हो जाए सो लड्डू बंद है ना। और देखियो जो देखो कितना अच्छा लड्डू बन के तैयार है। और थोड़ी सो पानी हम फिर हाथ पे लगा ले हैं, और फिर से ये जो कोन कोनो है जो ले हैं, और फिर से देखो जो देखो जो देखो देखो आप, तो यही तरीके से हमने जो लड्डू बना लाए हैं बहुत आसानी से बन जाते हैं। वो अब हम आगे की विधि बता रहे हैं आप।
तो अब हम बना रहे हैं कच्ची तिली के लड्डू। तो कच्ची तिली के लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ी सा गुड़ डाल दो और जब कढ़ाई नीचे कर ले रहे, बस थोड़ी सी कढ़ाई गर्म थी, हमें ज़्यादा देर ये नहीं चढ़ाना है। और बस ये हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ऐसे ऐसे करके, फिर दिखा रहे हैं आप। देखो कच्ची तिली के लाने हमने जो भूंजी तिली के लड्डू बनाए उन्हें पहले तिली भूंजी वही में गुड़ डाल दूँ फिर हमने बांधी, और कच्ची तिली के लड्डू बनाए के लाने पहले हमने कढ़ाइया गरम करी और गरम करने के बाद उन्हें थोड़ी सो गुड़ डालो और गुड़ डालने के बाद उगे बस तोड़ तो हमने कढ़ाइया नीचे उतार ली चूल्हे से और ई तरीका से जो चाशनी बना ली और ई में थोड़ी सी कच्ची तिली डालते हैं आप, थोड़ी सी कच्ची तिली डालना है ज़्यादा नहीं, कैसे पूजा के लाना जरूरी हो कच्ची तिली खाए के लाना है थोड़ी नुकसानदायक है। तो अब हम ये मिक्स कर ले रहे हैं। तो देखो आप जब हमारी कच्ची तिली को मिक्सचर बन के तैयार है और ये भी हम वैसे ही बांध हैं, थोड़ी सो पानी लगा है हाथ पे, जो देखो हाथ पे पानी और फिर बस इस तरीका से उठा के और इस तरीका से देखो आप, तो ऐसे ये हमारी कच्ची तिली के लड्डू हैं देखो आप। और यही तरीका से हम जे कुनकुने कुनकुने जल्दी से बांध ले हैं फटाफट। तो देखो आप हड़िया हमारी बिल्कुल गर्म है और अब हमें बनाने हैं लपसी, और लपसी के लाने हम डाल हैं जो एक करछुली सिंगाड़ी को आटा, सिंगाड़ी को आटा व्रत वालों। और अब ये आटा हम बहुत अच्छो भूंजे हम, जैसे लड्डू के लाने भूंजो जाते हैं आटा वैसे भूंजे बहुत अच्छे से, और फिर दिखा रहे हैं आपको। तो देखो आप जो सिंगाड़े को आटा यानी कि कौड़ी को आटा हमने बिल्कुल पंजीरी घाई भूंज लो और जो बिल्कुल लाल पड़ेगा भूंजत भूंजत, और जैसे ही जो भून जाए तो ई में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी कुटी गरी और थोड़ी सी काली मिर्च को पाउडर और थोड़ी सो सौंठ पाउडर यानी कि 10-12 काली मिर्च और 10-12 काली मिर्च के दाने पीस ले हमने और थोड़ी सो टुकड़ा पीस लो हमने सौंठ को और थोड़ी सो गरी को टुकड़ा पीस लो हमने 2 इंची टुकड़ा गरी को, सो कूट लो गरी कूटी है सौंठ और काली मिर्चें हमने पीसी है। और अब हम डाल दे हैं इसमें 1 गिलास पानी और फिर ये अच्छे से चला भी ताकि इसमें गांठे न रह जाए, फिर दिखा रहे हैं आपको। तो अब देखो आटा हमारा अच्छे से घुर चुका है, सौंठ गरी काली मिर्च हमने पहले ही डाल दी और जब तो हमने 1 करछुली सिंगाड़े को आटा लाओ तो उतना ही 1 करछुली हमने जो गुड़ लाओ तो जो भी इसमें डाल दे रहे। तो अब ये चलाऊ तो भाई हम बिल्कुल रुका है ना, हाथ ना रुका है, बिल्कुल पकाउत रहे जब तक बहुत अच्छे से फदक ना जाए, अच्छे से चुर ना जाए जा कड़ी की तरह, जैसे अपन कड़ी चुराई ना चलाओ चलाओ वैसे ही हमें ये चलाने पे दिखा रहे आप। तो देखो आप हमारी लपसी बन के तैयार है बिल्कुल, ये चुरत में कम से कम 20-22 मिनट लग गए हैं और देखो हमने चला चला के पका ली है। अब आप हाँ पर्स के दिखा रहे हैं। तो देखो आप जा हमारी गणेश नन की थाली बनके पूरी तैयार है, गणेश जी को भोग हमारे बुंदेलखंड में गणेश जी को भोग यही बनत है और यही भोग हमारे गणेश जी यहाँ लगत है। तो आप देखो सकला हमने उबेल लाए थे, कम पानी डाल के उबेले थे, कहे कम पानी में उबेलो तो सकला मीठे रात, अगर ज्यादा पानी डाल दो तो मीठे नहीं रात फीके पड़ जाते हैं। और जो देखो गुड़ और तिली को कूचो जो उनके हमने भूंज के कूटो तो, और जो देखो तिली भूंज के और हमने जे लड्डू बनाए थे और जे हमने कच्ची तिली के लड्डू बनाए थे और जे हमने सिंगाड़े के आटा की लपसी बनाई है। तो आप हाँ जो हमारा बुंदेली भोग कैसा लगो बताइयो और हमारी वीडियो में एक लाइक जरूर कर दियो, हमारे चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, अगर पहले से कर दा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर कर दियो, आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है, आप हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करो, धन्यवाद।